Hey guys, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ guys. तो guys, आज की कुछ जबरदस्त टेक न्यूज में आज लेके आया हूँ. तो चलिए guys, आज इसके बारे में कुछ बताएंगे आप सभी लोगों को. तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना. तो ऐसे ही टेक न्यूज में अभी सभी लोगों के लिए लेके आऊंगा. चलिए guys, तो है आप सब लोग वेलकम बैक टू माई चैनल. तो guys, आज एक फिर से जरूरत जो खबर जो टेक न्यूज के रिलेटेड है, मैं सभी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा. प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते हुए जाना. और ऐसे टेक इन्फॉर्मेशन में अब हम आते हैं अपने WTF की जो सेकंड जो सेगमेंट का जो न्यूज है. तो ध्यान से सुनिए, गरम खबर लेके हम आए हैं. और ये जो खबर है वो रिसेंट गूगल पिक्सल की तरफ से आता है. तो गाइस, गूगल पिक्सल की 8 सीरीज में एक न्यू ट्विस्ट देखने को मिलेगा. क्योंकि गाइस, गूगल के जितने भी फोन हमने देखे हैं उन सभी फोनों में सोनी का सेंसर यूज होता है. जो कैमरा है वो सोनी का यूज होता है. पर अभी जो 8 सीरीज का जो गूगल अपने फोन लॉन्च करने वाला है, जो 8 पिक्सल का जितने भी फोन उन्होंने लॉन्च करेगा, उन सब में हमें सैमसंग का कैमरा देखने को मिलेगा. प्लेटफॉर्म में अगर आप विजिट करते हैं तो गाइस, नेटफ्लिक्स ने एक छोटा सा अमाउंट सबके लिए सबके पास से वो कलेक्ट करेंगे. पर देखा जाए तो गाइस, अगर आप नेटफ्लिक्स अपने फोन में इंस्टॉल करके अगर उनमें आप वीडियो देखते हैं और मूवीज वगैरह आप OTT प्लेटफॉर्म अगर आप विजिट करते हैं, तो देखा जाए तो अगर आप पासवर्ड अब अपने भाई से, बहन से, मम्मी पापा से अगर आप शेयर करते हैं, तो उसके लिए भी नेटफ्लिक्स आपसे चार्ज लेगा. सिर्फ पासवर्ड शेयर करने से आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि से आपके फोन पे जो जीमेल है उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं. भाई नेटफ्लिक्स बात होने वाला है वो पहले सुन लीजिए गाइस. एयरटेल, जियो और VI जो तीनों जो सिम है वो 2023 के मिड रेंज में जाके अपने रिचार्ज प्लान 10% तक बढ़ाएंगे. इस पहले जो रिचार्ज के जितने भी प्लान थे अब 10% इक्वल कीजिए और 10% वो बढ़ेगा रिचार्ज के लिए. अभी तक हमें इतना सारा डिटेल्स मिला है क्योंकि जियो, एयरटेल, BSNL थोड़ा सा और VI ये सभी अपने रिचार्ज प्लान 10% तक इम्प्रूव करेंगे. अभी तक इतना ही हमें खबर मिला है. अब WTF की तरफ हम आते हैं. जो लीक रूमर्स हमने लेके आए आप सभी के लिए, फरवरी के अंदर हमें रेडमी की K-सीरीज. अगर आप AC के फैन हैं, AC यानी देखा जाए तो घर पे जो लगने वाला AC वो AC नहीं गाइस, AC यानी कि स्पीड एडिशन. हमने देखा है कि बहुत सारे फोनों में स्पीड एडिशन का बहुत सारे फोनों उन्होंने लॉन्च किया है. पर गाइस, रेडमी के जो 12 AC लॉन्च होने वाला है वो चाइना में ऑलरेडी फिलहाल लॉन्च होने के लिए कतार पे है. इंडिया में वो AC के थ्रू लॉन्च नहीं करेगा. रेडमी 12 AC लॉन्च नहीं होगा, वो रीब्रांड होकर आएगा पोको X5 सीरीज के अंदर. उन्हें हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर 8 Gen 1 अब तो हमें देखने को मिल सकता है. या फिर देखा जाए तो 8 Gen 1 होगा, या फिर 888 या फिर 888 Plus हमें देखने को मिलेगा. 67 वाट का हमें चार्जर देखने को मिल सकता है. फिलहाल के लिए इतना लीक समय मिला है और फिलहाल देखा जाए वो लॉन्च होगा फिर देखा जाएगा. तो हम लेके आए हैं वो भी ओप्पो की तरफ से. ओप्पो ने अपना इंडिया में न्यू फ्लिप फोन उन्हें लॉन्च करने की बहुत ही जल्दी में है. देखा जाए तो 2 या 3 महीने के अंदर ओप्पो अपने न्यू फ्लिप फोन लॉन्च करेगा. के अगर फैन है तो OnePlus Bud 2 Pro के लीक्स हमें मिल चुका है. लीक्स रूमर, एयरटेल ने वाइजैक पे आंध्र प्रदेश और मणिपुर इन दो जगह पे अपने 5G टेस्टिंग भी चालू कर दिया है. वहां पे अभी 5G स्टेशन भी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है. जो लोग वहां पे फिलहाल के लिए कुछ दिनों के बाद अपने अपने एरिया पे 5G इंप्रूव कर सकते हैं. आज की लास्ट जो खबर होने वाला है वो देखिए. तो गाइस, आज की जो लास्ट खबर है वो व्हाट्सएप की तरफ से आता है. क्योंकि व्हाट्सएप ने इस साल जो जितने भी फेक अकाउंट है व्हाट्सएप की तरफ, वो सभी अकाउंट को उन्होंने बैन कर दिया है. जो अकाउंट्स के जो कोडिंग उन्होंने दिखाया है वो है 37.3 मिलियन के आसपास जितने भी अकाउंट है उन्होंने बैन कर दिया है. खत्म करते हैं और जाते हुए लाइक कमेंट जरूर करते हुए जाना और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए. क्योंकि पिछले देखा जाए तो सब्सक्राइबर थोड़ा सा डाउन हो गया है हमारा, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं अभी सभी लोगों के लिए लेके आऊंगा. तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही.